हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर वन। ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट चैप्टर है जो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज है हमारा नॉन लीनियर, ठीक है। यानी इसमें नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, हमारे पास जो इक्वेशंस है उसमें हमने देखा था कि P और Q, करली Z बाई करली X, करली Z बाई करली Y, उनकी पावर्स एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ऐसी टाइप्स की इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, और उनके सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली जो मेथड है वो चारपिट मेथड होता है, जिससे हम इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास जो बात आती है वह हमारे पास सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस क्या होता है और इसके टाइप्स कितने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, हमने जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिस्कस किया था, सेम एज इट इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सॉल्यूशंस की वही डेफिनेशन है। सॉल्यूशंस ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ए सॉल्यूशन और इंटीग्रल ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स बाय मीन्स विच द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम देयर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेटिस्फाई, कि हमारे पास कोई रिलेशन है जिसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी जो उस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो वही हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन। ए सोल्यूशन और इंटीग्रल ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स बाई मीन्स ऑफ विच द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्टेन। रिलेशन होगा, जैसे हमारे पास इसमें क्या है, जेड है, जो एक्स और वाई का में क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है, फंक्शन है टू वेरिएबल्स का। ओके, तो वहाँ से हमारे पास क्या होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन होगी और इसको सोल्व करके हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आती है कि हमारे पास कितने टाइप के सॉल्यूशन होंगे किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो बेसिकली हमारे पास फोर टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट इंटीग्रल जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद क्या डिस्कस करते हैं हम, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके बाद सिंगुलर सॉल्यूशन, और एक हमारा लास्ट में होता है क्या, जनरल सॉल्यूशन। तो ये हम किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फाइंड आउट करेंगे, ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें गिवन होगी। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि हम व्हाट इज कंप्लीट सॉल्यूशन, क्या होता है किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, देन व्हाट इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन, एंड देन व्हाट इज सिंगुलर, एंड द लास्ट इज जनरल सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज हमारे पास एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नेट या JRF के एग्जाम में एक क्वेश्चन आइदर 5 मार्क्स और 3 मार्क्स का एक बार पूछा जाता है कि इस टाइप्स की इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में से सॉल्यूशन क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि इस टॉपिक से वो क्वेश्चन दे। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है वो हमारे पास है कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, लेट जेड बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वन इज एक्स एंड अदर इज वाई, ठीक है, डिफाइंड बाय जिसको हमने किसमें लिख दिया, फाई ऑफ एक्स वाई जेड, और ए और बी क्या है हमारे पास, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, जिसको हमने किसका नाम दे दिया, इक्वेशन वन का। तो ये हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक बार तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, जहां से हमारे पास कितनी इक्वेशन आ जाएगी, दो इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो जो फंक्शन है फाई वो एक्स और वाई और जेड तीनों का वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो करली जेड बाई करली एक्स प्लस करली एक्स बाई करली करली जेड बाई करली एक्स, ठीक है, जो जिसको हमने क्या नोटेशन दी है, पी। फिर करली फाई का विद रिस्पेक्ट टू करली जेड, ठीक है, वाई का क्या हो जाएगा, जीरो। करली वाई बाई करली एक्स करेंगे वो जीरो, तो वो फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। सिमिलरली अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट जो हमें गिवन है रिलेशन, इक्वेशन टू जो हमने एक्स से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वहां से ऑब्टेन की है, थर्ड इक्वेशन जो हमने वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव के वहां से ऑब्टेन की है। अब इस थर्ड इक्वेशन, तीन इक्वेशन में हमारे पास आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कितने हैं, दो, और इक्वेशन कितनी है, तीन। तो इसमें से हमें
ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है और जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वही हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका ऑर्डर होगा फर्स्ट, ठीक है, और उसको हमने नाम दे दिया एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, ठीक है, बिकॉज ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमारे नोटेशन में पी हम किसको लेके चलते थे, करली जेड बाय करली एक्स, और क्यू क्या का मतलब था, करली जेड बाय करली वाई, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तीन इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये, थर्ड इक्वेशन ये, इन तीनों में से हमने ए और बी को एलिमिनेट करना है, योर चॉइस आप कैसे भी करें एलिमिनेट, ठीक है, वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारे पास आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट, हमारे पास कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा और सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा। अब जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम डिस्कस करते थे कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन आया है और उसमें कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट आए हैं तो उन आर्बिट्री कांस्टेंट को हम कुछ पार्टिकुलर वैल्यू दे दें तो वो हमारे पास क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, सिंगुलर सॉल्यूशन वो होता है हमारे पास जिसमें हम सॉल्यूशन आए लेकिन वो पार्टिकुलर किसी कांस्टेंट्स को पार्टिकुलर वैल्यू देने से ऑब्टेन ना हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जनरल सॉल्यूशन, तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे कि व्हाट इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन, व्हाट इज सिंगुलर सॉल्यूशन, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या था कि हमारे पास एक जेड था, फंक्शन था एक्स वाई का, और ए भी क्या थे, कांस्टेंट, तो उसको हमने इस रिक्वायर्ड, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने क्या बोला, उसको कंप्लीट सॉल्यूशन। अब उसी कंप्लीट सॉल्यूशन में अगर मैं उन्हीं ए और बी की कुछ पार्टिकुलर वैल्यू पुट कर दूं तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ओके। तो यही हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन है, ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग सम पार्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इन द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। और उसके बाद हमारे पास आता है इंटीग्रल, सिंगुलर सॉल्यूशन या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन से डायरेक्ट ए बी की कुछ पार्टिकुलर वैल्यू देने से ऑब्टेन नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या था कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, इसको डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी, तो इसको हमने क्या बोला था, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, लेट दिस इज द सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देन द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट, हमें इसमें भी एलिमिनेट करने हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, और उसके लिए हम जो इक्वेशंस का यूज करेंगे, एक तो यही हमारे पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है, फाई ऑफ एक्स वाई जेड ए कोमा बी इज इक्वल टू जीरो, एक बार इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, और एक बार हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ से भी हमारे पास तीन इक्वेशन आ जाएगी, एक इक्वेशन कंप्लीट सॉल्यूशन की, एक इसको पार्शियल डेरिवेटिव के विद रिस्पेक्ट टू, एक यहाँ से, एक बी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक यहाँ से। इन तीन इक्वेशंस का यूज करके इसमें से ए और बी को हमने एलिमिनेट करेंगे और वो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। की पॉइंट क्या है इसमें कि सिंगुलर सॉल्यूशन है वो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशंस के से नहीं आएगा, बिकॉज इसमें हम क्या कर रहे हैं, उसका पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू ए, फिर विद रिस्पेक्ट टू बी। अब इन तीनों के इक्वेशन को सोल्व करके जो हमारे पास रिलेशन आएगा आफ्टर एलिमिनेटिंग ए एंड बी, दिस इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली सिंगुलर सॉल्यूशन के बाद हमारे पास बात आती है जनरल सॉल्यूशंस की, तो जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा कि एज इट इज है कि ये हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक बार तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड हमारे पास वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट है, ए फर्स्ट आर्बिट्री कांस्टेंट, बी सेकंड आर्बिट्री कांस्टेंट, तो बी को हम ए का कोई फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दो इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे,
ठीक है, यानी कोई भी, जैसे मैंने इसको साई मान लेंगे, ओके, तो वहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक तो इक्वेशन ये आ जाएगी, आफ्टर रिप्लेसिंग बी विद साई ऑफ ए, बी इज ए फंक्शन ऑफ ए, उसका विद रिस्पेक्ट टू ए डेरिवेटिव करेंगे, वहाँ से दो इक्वेशन होगी, उसको सोल्व करके हमारे पास क्या आता है, जनरल सोल्यूशन, ओके। तो मैं उसकी भी डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, वो क्या होती है, ओके, सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन। लेट डिफरेंस क्या है, वही है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन, विद अ कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ ए पार्टिकुलर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एज्यूम दैट इन द कंप्लीट सोल्यूशन वन ऑफ द कॉन्स्टेंट ए इज ए फंक्शन ऑफ अदर, हमने बी को ए का फंक्शन मान लिया, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने साई ऑफ ए, बी इज इक्वल टू साई ऑफ ए, यू कैन टेक ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, आपकी मर्जी है, आपको दो कॉन्स्टेंट से एक कॉन्स्टेंट्स में इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है, ओके, देन द कंप्लीट सॉल्यूशन बिकम्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, वी हैव जस्ट रिप्लेस बी विद साई ऑफ ए एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, इसको हम वन मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, टू, ठीक है, तो phi of x, y, z, a, complete solution में हमारे पास यहाँ क्या होता था, b, लेकिन हमने इसमें b को क्या मान लिया, psi of a, तो ये इस equation का क्या हो गया, complete solution, ठीक है, which represents one parameter family of the surfaces of this partial differential equation, the solution between x, y, z obtained by the eliminating, ठीक है, a को हमने eliminate करना है, एक तो हमारे पास ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसको नहीं, इसको, एक तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन ये है, एक इसको हमने बी को ए के फंक्शन में रिप्लेस करने के बाद जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया है फाई का, उसका हमने विद रिस्पेक्ट टू ए पार्शियल डेरिवेटिव करना है, एक इक्वेशन हमें यहां से मिल जाएगी, तो हमारे पास बेसिकली दो इक्वेशन हो जाएगी, फर्स्ट इज दिस कंप्लीट सॉल्यूशन एंड आफ्टर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए, अदर इज दिस, ओके, तो इन दो को इक्वेशंस का यूज करके यहाँ से आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ए को एलिमिनेट करके जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, इसी को हमने कंप्लीट सॉल्यूशन बोला था, इसको हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमें ये इक्वेशन क्या हो गई, ऑप्टेन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑप्टेन हो गई, और इसी को हम सोल्व करके इसको लेके आ सकते हैं, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, उसके बाद इसी इन्हीं आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ए बी को कुछ पार्टिकुलर वैल्यू देके जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसको हमने बोल दिया पार्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके बाद सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन भी हमने लास्ट टाइम इससे पहले डिस्कस किया कि हमारे पास जो इक्वेशंस आई है इसमें ए और बी को पार्टिकुलर वैल्यू देने से हमारे पास क्या क्या नहीं आएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं आएगा, उसमें हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू ए विद रिस्पेक्ट टू बी दो इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये तीनों को सोल्व करके ए और बी को एलिमिनेट करके जो सॉल्यूशन आएगा उसको हमने सिंगुलर सॉल्यूशन बोला था, और ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, इसमें हम कोई भी एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को दूसरे का फंक्शन मान लेते हैं और उसमें रिप्लेस करके फिर उसका विद रिस्पेक्ट टू ए पार्शियल डेरिवेटिव करके जो हमारे पास दो इक्वेशन आएगी उनको सोल्व करके ए को एलिमिनेट करके जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात क्या आती है यहाँ पे कि अगर आपको इन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोई आपको ये बोले कि आपको इनका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है तो आपको इसका सिर्फ कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है, आपको इसके साथ इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन एज वेल एज सिंगुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन भी आपको इसका फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। कुछ स्पेस में, कुछ रीजन ऑफ स्पेस में आप वो आपसे वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट सॉल्यूशन पूछ सकता है जिसमें आपको सिर्फ कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देना होता है, लेकिन अगर कोई सिंपल बोले कि सोल्व दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, अगर वो ना भी बोले कि सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, उसके बावजूद भी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन के अलावा उसका सिंगुलर सॉल्यूशन एज वेल एज जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। एग्जामिनर आपको अगर बोल दे कि सिर्फ कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करो तो आप सिर्फ कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, अगर ना बोले आपको सिर्फ इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना दे तो आप इसका जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे। इसके एग्जाम में क्वेश्चन भी बेसिकली ऐसे ही आते हैं कि
कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा चैप्टर डिस्कस है। 4.75 मार्क्स में आपसे एक ऑप्शन में वो ये पूछ लेगा दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन में ये बोल देगा दिस इज द पार्टिकुलर सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन में ये बोल देगा दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और फोर्थ ऑप्शन में आपको वो उसका जनरल सॉल्यूशन दे देगा। तो बेसिकली लाइक दैट, अगर चारों ऑप्शन ठीक है, चारों उसके सॉल्यूशन बन रहे हैं, तो उसके चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप से क्या करता है वो, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ओके, तो अब हम जो मेथड है इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने का, वो हम डिस्कस करेंगे, और उसको हम बोलते हैं चार्पिट मेथड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, तो मैं उसके वर्किंग रूल यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैं उसको डिस्कस करता हूँ। सो अब हम डिस्कस करेंगे चार्पिट मेथड। जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में नॉन लीनियर ऑर्डर को सोल्व करने के लिए लैग्रेंज मेथड का यूज़ करते थे, उसके टाइप्स 1, टाइप्स 2, टाइप 3 हमने जैसे डिस्कस किए थे, सिमिलरली हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ नॉन लीनियर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एनी डिग्री, तो उनको हम सोल्व करेंगे चार्पिट मेथड से। ठीक है, जैसे हमारे पास लैग्रेंज मेथड में भी हमारे पास लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन थी, और उसी से हमने मोस्टली सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे। यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, चार्पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्या हो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारे पास नॉन लीनियर, अब इसमें मैंने पी और क्यू, ठीक है, कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस, जैसे मैंने बोल दिया 3p² इज इक्वल टू क्यू, तो ये हमारे पास क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ नॉन लीनियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, माइनस इज इक्वल टू जीरो, देन दिस इज द एफ। ओके, तो इस टाइप की इक्वेशन का हमने क्या निकालना है, सोल्यूशन। तो हमारे पास सिमिलरली लैग्रेंज इक्वेशन की तरह है, यहाँ पे हमारे पास चार्पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, वो होगी हमारे पास डी पी। ठीक है, पी और क्यू की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, पी हमारे पास क्या होता है, कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स, क्यू हमारे पास क्या होता है, कर्ली जेड बाय कर्ली वाई। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे चार्पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी डी पी अपॉन एफ एक्स डिनोट द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिमिलरली जेड यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू पी, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ठीक है, तो चार्पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी हमारे पास डी पी अपॉन पी का टोटल डेरिवेटिव अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड, सिमिलरली डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ठीक है, जो सो फिक्स में हमारे पास वेरिएबल होगा, मतलब एफ का उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव किया हुआ है। ओके, फिर डी जेड अपॉन माइनस पी एफ पी माइनस क्यू इंटू एफ क्यू इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस ऑफ एफ पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस ऑफ एफ क्यू इज इक्वल टू डी एफ अपॉन जीरो। कोई भी दो फ्रैक्शंस को यूज करके या फिर इनका सम करके, जैसे हम लैग्रेंज मेथड में सोल्व करते थे, उसको हमने डिनोमिनेटर में क्या बना दिया, जीरो। तो दिस इंप्लाइज दैट डी एफ इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से इंटीग्रेट करके हमारे पास क्या आ जाता था, एफ की वैल्यू आ जाती थी, वो हमारे पास क्या होता था, सोल्यूशन होता था, जो इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है चार्पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब बात आती है कि हमारे पास इस चार्पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके हमारे पास वर्किंग स्टेप्स हैं। तो वर्किंग रूल या वर्किंग स्टेप्स टू फाइंड यूजिंग चार्पिट्स मेथड फॉर सॉल्विंग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट ऑफ एनी डिग्री। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन दे रखी होगी, तो उनको हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड में जीरो, और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने किससे इक्वेट करना है, एफ से। तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। ट्रांसफर ऑल द टर्म्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस टू लेफ्ट हैंड साइड एंड डिनोट द एंटायर एक्सप्रेशन बाय एफ, यही हमारे पास। ठीक है, अभी मैंने जैसे बताया था, जैसे किसी ने बोल दिया पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशंस को हमने क्या करना है, इस एक्स वाई को इस तरफ, ये तो ये माइनस इज इक्वल टू जीरो, तो इस एक्सप्रेशन को किसका नाम देना है, एफ का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, चार्पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने लिख ली हैं।
राइट डाउन द चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। स्टेप थ्री में हमारे पास जो जो वैल्यू हमें चारपिट्स इक्वेशन में चाहिए, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एफ पी, एफ क्यू, पांचों की पांचों वैल्यू जो हमारे पास एफ आएगा वहां से फाइंड आउट करनी है। दिस इज अवर स्टेप थ्री। स्टेप फोर में हमारे पास कोई भी दो फ्रैक्शंस जो इजिली सोल्वेबल हो और जहां से हमें P और Q में एक सिंपलेस्ट रिलेशन मिलता हो वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो दिस इज द स्टेप फोर। स्टेप फोर हमारे पास क्या है, आफ्टर सिंप्लीफाइंग द स्टेप थ्री, स्टेप थ्री होने के बाद सेलेक्ट टू प्रॉपर फ्रैक्शंस सो दैट द रिजल्टिंग इंटीग्रल मे कम आउट टू बी द सिंपलेस्ट रिलेशन इन्वॉल्विंग एटलीस्ट वन ऑफ P और Q। दो फ्रैक्शंस हमें ऐसे सोल्व करने हैं जहां से हमें P और Q में आइदर P, ठीक है, या तो P में हमें कोई रिलेशन मिले या Q में हमारे पास वो P और Q वेरिएबल उस सॉल्यूशन में इन्वॉल्व हो। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे जैसे हमारे पास किसी में P आ जाएगा तो जो हमें गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसमें से हम Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर हम ऐसा फ्रैक्शन यूज करेंगे जहां से यहां से तो Q की वैल्यू फाइंड आउट आ जाएगी आफ्टर सॉल्यूशन, लेकिन जो गिवन हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वहां से हम P की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द स्टेप फोर। स्टेप फाइव में हमारे पास जो P और Q की हमारे पास जो वैल्यू आई है, वैल्यू या फिर आप इसको आपके पास कोई भी रिलेशन आ सकता है, लाइक P प्लस क्यू इज इक्वल टू टू, P इज इक्वल टू रूट वन माइनस क्यू स्क्वायर, लाइक दैट कुछ भी। स्टेप फाइव हमारे पास क्या है, द सिंपलेस्ट रिलेशंस ऑफ स्टेप फोर इज सोल्व अलोंग विद द गिवन इक्वेशन टू डिटरमाइन P एंड Q। पुट दिस वैल्यू P एंड Q इन दिस इक्वेशन dz। ये हमारे पास हम z का टोटल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास रिलेशन होता है करली z बाई करली x, विच इज p इंटू डी एक्स, एक्स का टोटल डेरिवेटिव प्लस करली z बाई करली q, सॉरी करली y इंटू डी वाई, और ये हमारे पास क्या है, क्या होती है, ये होता है p और ये होता है q। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वो वैल्यू पुट कर दी। स्टेप फोर से हमारे पास जो भी p और q की वैल्यू आई हुई होगी वो हम इसमें पुट करेंगे और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन, और जिसको हम रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास था चारपिट मेथड। ठीक है, तो टोटल कितने स्टेप है हमारे पास इसके हमारे पास टोटल फाइव स्टेप्स है। स्टेप फर्स्ट, सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आना है जीरो के इक्वल, और जो एक्सप्रेशन आएगा उसको हमने एफ का नाम देना है। सेकेंड स्टेप में चारपिट इक्वेशन लिखनी है, फिर थर्ड स्टेप में चारपिट इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव यूज हुए हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। स्टेप फोर में हमें क्या करना है, स्टेप फोर में हमारे पास दो फ्रैक्शंस को सोल्व करके उनमें एक सॉल्यूशन ऐसा फाइंड आउट करना है जो या इधर P को इन्वॉल्व करता हो या फिर Q को इन्वॉल्व करता हो। ठीक है, स्टेप फाइव में हमारे पास क्या होगा, जो P और Q की वैल्यू आई है उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आप इसको नोट कर सके। इसमें हमें जैसे मैंने इसके रूल बताए हैं, चारपिट्स मेथड के लिए मैंने थ्योरी डेवलप नहीं की, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें सिर्फ क्या है, वर्किंग रूल से ही हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो वो मैंने डिस्कस नहीं किया है। ओके, तो दिस इज द चारपिट इक्वेशन। कई बार चारपिट इक्वेशन को कुछ बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं कि यहाँ पे जैसे ये माइनस है, माइनस ऑफ एफ पी माइनस, इस माइनस को यहाँ से तो एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है, और कई बार हम यहाँ पे लिख देते हैं, कई बार इससे करने से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इजिली सॉल्व हो जाता है। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर मैंने जैसे पहले लिखा था वैसे भी आप चारपिट इक्वेशंस को, चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वर्किंग रूल टू ऑब्टेन ए सॉल्यूशन, टू ऑब्टेन कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, और कंप्लीट सॉल्यूशन के अलावा सिंगुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एज वेल एज पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, सिमिलरली जैसे लैग्रेंज इक्वेशंस होती थी इसमें भी हमारे पास टाइप्स है,
जैसे उसमें होती थी क्लैरिटी इक्वेशंस, तो इसमें भी है, लेकिन हम इस लेक्चर में बेसिकली एक दो एग्जांपल चार्टपीट मेथड से इक्वेशंस कैसे सोल्व की जाती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो डिस्कस करेंगे और टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे इसकी, टाइप्स 1, टाइप्स 2, टाइप्स 3, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल करवा देता हूँ जो इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं इजी एग्जांपल करवाऊंगा, उसके बाद मैं ऐसे एग्जांपल करवाऊंगा जिसमें हमें सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हों। ओके, सो टेकिंग दिस एग्जांपल, फाइंड द कंप्लीट सिंगुलर एंड जनरल इंटीग्रल सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशन या इंटीग्रल ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें हमारे पास पी और जो क्यू है उसकी वैल्यू, उसकी पावर 2 है, तो ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, चार्टपीट मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। अब जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था हमारे पास, कि इस इक्वेशंस को एक साइड करके इक्वल टू जीरो, और उसको हमने किसका नाम देना है, एफ का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इंटू वाई माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू जीरो, और इसी को हमने किसका नाम देना है, एफ का। तो ये हमारे पास हो गया स्टेप फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद स्टेप टू क्या था हमारे पास, कि चार्टपीट ऑक्सिलरी इक्वेशंस को हमें लिखना था, चार्टपीट ऑक्सिलरी इक्वेशंस डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी इंटू एफ जेड इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू इंटू एफ जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस ऑफ एफ पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस ऑफ एफ क्यू, ठीक है। अब ये था हमारे पास स्टेप टू। अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ एक्स की, एफ वाई की, एफ पी की, एफ क्यू की और एफ जेड की, ठीक है। एफ हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर एफ का पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इसका जीरो, ठीक है, एक्स तो इसमें है ही नहीं, तो एफ एक्स जीरो हो जाएगा। फिर एफ वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जीरो, ठीक है, और यहाँ से करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वाई का करेंगे तो पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, ठीक है, और एफ जेड करेंगे तो इसका जीरो, और यहाँ से करेंगे तो माइनस क्यू, ठीक है। फिर करेंगे एफ पी, पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो इसका जीरो हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे पी के रिस्पेक्ट में तो ये हमारे पास हो जाएगा टू पी वाई, ठीक है, टू पी वाई। और सिमिलरली एफ क्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास होगा टू इंटू क्यू इंटू वाई माइनस, यहाँ पे क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस जेड एज कॉन्सेंट्रेट होगा। ये था हमारे पास स्टेप थ्री। इन सारे की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, चार्टपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो ये देखो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा डी पी अपॉन एफ एक्स जिसकी वैल्यू जीरो है, पी इंटू एफ जेड, एफ जेड की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास होगा डी क्यू अपॉन एफ वाई, एफ वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, क्यू इंटू एफ जेड, एफ जेड क्या है हमारे पास, एफ जेड है माइनस क्यू, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी इंटू एफ पी, एफ पी क्या है हमारे पास, ये, तो यहाँ पे करेंगे तो माइनस टू पी स्क्वेयर वाई, ठीक है, माइनस क्यू इंटू एफ क्यू, एफ क्यू का हमारे पास क्या है, ये रहा टू क्यू वाई माइनस जेड, ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन, यहाँ से बचो माइनस एफ पी, एफ पी की वैल्यू ये रही तो ये जाएगा माइनस टू पी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एफ क्यू, एफ क्यू ये रहा तो ये जाएगा जेड माइनस टू क्यू वाई, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये था हमारे पास स्टेप नंबर थ्री। स्टेप फोर में हमें क्या करना है, यहाँ से कोई भी दो फ्रैक्शन सोल्व करने हैं हमें, जहाँ से इजिली एक सॉल्यूशन हमें ऐसा फाइंड आउट करना है जो आइदर पी और क्यू
इन्हीं में से किसी एक को इन्वॉल्व करता हो। ठीक है, अभी देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये हमारे पास हो गया कैंसिल। अब देखो क्या मैं इसको और इसको इक्वेट कर सकता हूँ, पी से पी कैंसिल हो रहा है, जैसे सेम एज इट इज, जैसा हम लैग्रेंज इक्वेशंस में करते थे। ठीक है, तो बाय फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, ठीक है ये दो फ्रैक्शंस लेते हैं हम, तो डी पी अपॉन माइनस पी इंटू क्यू इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन पी स्क्वेयर। अब एक पी से एक पी कैंसिल, ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी इंटू डी पी प्लस क्यू इंटू डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। ओके, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से तो ये हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वेयर बाय टू। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वेयर बाय टू प्लस क्यू स्क्वेयर बाय टू, और वो हमने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट में क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, जिसको हमने किसका नाम दे दिया, ए का। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन वन, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन टू। ठीक है, अब देखो बच्चों, और इसको मैं इक्वेशन थ्री मान लेता हूँ। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से क्या हम पी की या क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल, यहाँ पे पुट करते हैं तो बाय इक्वेशन वन, बाय इक्वेशन वन पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर उसकी वैल्यू ए, तो ए इंटू वाई माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू जेड इज इक्वल टू ए वाई, जेड को इस तरफ लेके आएंगे तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वाई अपोन जेड। ठीक है, अब इस क्यू की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस क्यू स्क्वेयर। ठीक है, ओके, ए माइनस क्यू स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से, तो ये जाएगी हमारे पास ए स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर अपोन यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से मैंने क्यू की वैल्यू पुट कर दी, अब हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, दोनों तरफ रूट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास पी की वैल्यू। ओके, और इसी को हम सोल्व करके क्या लिख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास है ए, तो रूट है पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, या फिर हम ए को ए स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें कॉमन ले तो इसलिए हम इसको ए स्क्वेयर मान लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वेयर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर, स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे पावर फोर। ठीक है, अब देखो, अब एलसीएम लेंगे इसका हम, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ ए स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर माइनस ए की पावर फोर इंटू वाई की पावर टू अपॉन, रूट से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा जेड। ठीक है, यहाँ से हम ए को कॉमन भी, ए स्क्वेयर कॉमन लेंगे, रूट से कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा, ए, तो यहाँ से ए स्क्वेयर कैंसिल, यहाँ से पावर कितनी रह जाएगी, टू। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। ओके, अब देखो, अब हमें क्या करना है, पी की वैल्यू आ गई और क्यू की वैल्यू आ गई, अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है हमारे पास डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, तो डी जेड इज इक्वल टू, पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी की वैल्यू है ए बाय जेड, ठीक है, इंटू रूट ऑफ जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है, ए स्क्वेयर इंटू वाई बाय जेड, ए स्क्वेयर इंटू वाई बाय जेड। ठीक है, ए स्क्वेयर इंटू वाई बाय जेड इंटू डी वाई। ठीक है, ओके, तो अब देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, पी क्यू वैल्यू पुट करने के बाद हम इस टर्म को इस तरफ लेके आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, अच्छा जेड कॉमन आ रहा, जेड कॉमन लेके यहाँ से, तो जेड को हम एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से और इसको ऐसे लिख देते हैं, अब इस टर्म को इस तरफ लेके आते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज जेड डी जेड माइनस ए स्क्वेयर इंटू वाई
इंटू डी वाई इज इक्वल टू ए इंटू रूट ऑफ जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब इस वाले टर्म को इसके अपोन में लेके आएंगे तो दिस कैन बी रिटन एज जेड इंटू डी जेड माइनस ए स्क्वेयर इंटू वाई डी वाई अपॉन रूट ऑफ जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटू डी एक्स, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर है, ठीक है, तो इसका अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास रूट ऑफ जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स, जो इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट जो अनदर है वो हमने क्या मान लिया, बी। दिस कैन बी रिटन एज रूट ऑफ जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज अवर फाई एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन। ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन जो हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। अभी सिर्फ क्या है, अभी सिर्फ कंप्लीट सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के हमने क्या किया भाई, स्टेप हमने चार पीट इक्वेशंस के किया। सबसे पहले हमने सारे एक्सप्रेशंस को एक साइड में लिखा और उसको हमने किसका नाम दे दिया, एफ का। फिर हमने चार पीट इक्वेशन लिखी, ये हमारे पास चार पीट इक्वेशंस थी, सारी हमने वैल्यू फाइंड आउट की पाँचों की, इसमें पुट की, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इससे हमें कोई भी दो फ्रैक्शंस, आप इसको और इसको ले सकते थे, इसको और इसको ले सकते थे, ऐसा फ्रैक्शंस, ऐसे दो फ्रैक्शंस आपको लेने हैं जहां से हमें एक ऐसा रिलेशन मिले पी और क्यू में, ठीक है। तो हमें ये रिलेशन मिल गया पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, उसको हमने आगे जाके देखा कि वो हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी होती थी, उसके लिए हमने क्या ले लिया, ए स्क्वेयर, ठीक है, ये आ गया। अब इसका यूज हम वन में करेंगे, जो हमें गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर को रिप्लेस किया ए स्क्वेयर से, वहाँ से क्यू की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू फर्दर यहाँ से पुट करी, पी की वैल्यू आ गई, पी और क्यू की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, और फिर हमने थोड़ा मैनिपुलेशन करके इंटीग्रेशन किया, तो हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस कंप्लीट सॉल्यूशन से हम क्या निकालेंगे, इस कंप्लीट सॉल्यूशन से ही हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इसी से क्या करना है, हमारे सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास आ गया, बाकी को मैंने रब कर दिया, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो देखो क्या है हमारे पास, ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिंगुलर सॉल्यूशन, तो इसको फाई मान रखा है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, करली फाई बाय करली ए, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में क्या करना है, हमें डेरिवेटिव करना है इसका, ठीक है। तो इसका करेंगे तो वन अपॉन टू, ठीक है, पावर वन बाय टू है आगे आएगी, और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा रूट जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू वाई, ठीक है, फिर जेड स्क्वेयर का जीरो, और इसका करेंगे तो माइनस टू ए वाई, ठीक है, और इसका करेंगे तो माइनस ए सॉरी माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन ये आ गई, और करली एफ अपॉन करली बी, बी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका जीरो, ठीक है, और इसका करेंगे तो इसका भी जीरो, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी का, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे नहीं करते, ठीक है, इसको हम जेड स्क्वेयर दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे, तो इस रूट को यहाँ पे लेके जाते हैं, ओके, तो दिस इज दिस, ओके, तो ये हमारे पास क्या फाई है, ठीक है, माइनस दिस, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो, ये हमारे पास क्या है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसका करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए डेरिवेटिव करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, या फिर इसको माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए करेंगे तो इसका ज़ीरो, इसका करेंगे माइनस टू ए वाई, माइनस टू ए वाई, ओके, और माइनस टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और फिर ए एक्स का करेंगे तो वो ए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आगे इक्वेशन,
विद रिस्पेक्ट टू बी करेंगे तो इसका ज़ीरो, और यहाँ से करेंगे तो माइनस टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और फिर बी का वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई, और एक इक्वेशन ये हो गई। यहाँ से हमने क्या करना है, ए और बी को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो ए और बी को हमने क्या करना है, एलिमिनेट यहाँ से करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी, इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है, माइनस टू अपॉन में जाके इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये ज़ीरो है हमारे पास। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की, ठीक है, क्योंकि वाई ज़ीरो हो नहीं सकता, या फिर ये पूरी क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ से देखो माइनस ए वाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो इज इक्वल टू ज़ीरो। और इन तीनों की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो जेड स्क्वेयर माइनस ए इंटू वाई, इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी क्या है, ज़ीरो, तो ये हमारे पास आ जाएगा जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास आ जाएगा इसका सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन। उसके बाद हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, ओके। तो जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास आ चुका है जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई, ठीक है, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब हम बी को क्या मानते हैं, बी को हम मानते हैं अनदर फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, साई ए एफ ओफ ए, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ पे बी की जगह क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ए या साई ऑफ ए का होल स्क्वेयर। एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास, ठीक है। दूसरी इक्वेशन, इसी को हम विद रिस्पेक्ट टू ए क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका ज़ीरो यहाँ से करेंगे तो माइनस टू ए वाई इज इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो टू ए एक्स प्लस फाइव ऑफ ए, फिर पावर का जो अंदर उसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए करेंगे तो यहाँ से एक्स प्लस इसको विद रिस्पेक्ट टू ए पार्शियल डेरिवेटिव। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। तो इस इक्वेशंस को और इस इक्वेशंस को सोल्व करके, ए को एलिमिनेट करके जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, जो सॉल्यूशन आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास होगा जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, ये सारे ऐसे आपको सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। नाउ मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे देता हूँ जिससे आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, एज एन असाइनमेंट वो आप कर सकते हो, ओके। तो वो देखो क्या है, सो दिस इज़ द योर असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। चार्टपीट मेथड से आपको ये इक्वेशंस आपको क्या करनी है, सोल्व करनी है, ठीक है। मैंने आंसर भी आपको क्या दिया, साथ में दे दिए हैं आपको। ये इसके क्या है हमारे पास, ये इसके कंप्लीट सॉल्यूशन है। इन्हीं क्वेश्चन में आपको जैसे कंप्लीट एज वेल एज इसका सिंगुलर सॉल्यूशन प्लस जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी क्या करना है आपको, इसमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, इसी इन्हीं क्वेश्चंस के लिए। तो मैंने 8 क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया है ऐसे ही आपको सोल्व करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम इनकी कुछ स्पेशल टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि इक्वेशंस अगर ये इस टाइप की इक्वेशन सिर्फ पी और क्यू में हो, ठीक है, ऐसी कोई है इक्वेशन इसमें नहीं है, ठीक है, या फिर क्लैरेट इक्वेशन हो, जैसे लैग्रेंज इक्वेशन में होती थी ए एक्स प्लस पी ए पी प्लस बी क्यू प्लस एफ ऑफ पी क्यू, ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन हो तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लिए असाइनमेंट प्रॉब्लम है, आप इन सारे क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में सोल्व करेंगे, ओके, बाय चार्टपीट मेथड जो आज हमने डिस्कस किया है। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमने चार्टपीट मेथड डिस्कस किया है, और सारे जो नेक्स्ट जो आने वाले लेक्चर हैं उनमें हम चार्टपीट मेथड से ही क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आपको ये लेक्चर समझ में आना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा, ओके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक ये काम आप करिए, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।